सुबह 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली एनसीआर में सोमवार देर रात 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये देखिए, दिल्ली सबसे पहले भूकंप का केंद्र था। आधी रात को दिल्ली कांपी है। पहला, दूसरा और तीसरा झटका यहां पर समय अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं और चौथा झटका रात 3:41 पर हुआ। पहला झटका 12:45 पर हुआ, दूसरा झटका 1:40 और तीसरा झटका 1:55 पर हुआ। भूकंप के झटके रात 12:45 से लेकर 3:41 तक आए। 4 बार इस दौरान पूरी दिल्ली और एनसीआर हिल गई। इस बार भूकंप का केंद्र दिल्ली था। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के पहले झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 और दूसरे की तीव्रता 3.3 थी। वहीं तीसरे और चौथे झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 और 2.8 थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली भूकंप का केंद्र बना। देर रात आए इन झटकों को कई इलाकों में लोगों ने महसूस किया। ये झटके करीब 3 सेकंड तक महसूस किए गए, जिसमें गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, यमुना विहार, सिविल लाइंस, लाजपत नगर, शास्त्री नगर समेत पूरी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन इन इलाकों से जान माल की कोई खबर नहीं है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। यानी कि ये एक राहत भरी खबर है कि पूरी रात में लगभग 4 बार भूकंप के झटके आने के बावजूद दिल्ली में जान माल का किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। यहां पर अहम ये था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली भूकंप का केंद्र था, लेकिन रिक्टर स्केल पर तीव्रता ज्यादा नहीं होने की वजह से किसी भी तरीके का नुकसान जान माल का नहीं हुआ है। हमने सोचा ऐसे कुछ होगा, लेकिन बाद में दूसरे नंबर में इतनी तेज झटका लगा, मैं और मेरे बेटे नीचे सो रहे थे, तो मैंने अपने बेटे को, मेरे बच्चे एकदम हल्ला करने लगे, तो मम्मी क्या हो रहा है, तो मैंने अपने बच्चों को अभी चुप रहो, निकलना होगा तो निकल जाएगा, अगर धरती फटनी होगी तो फट ही जाएगी, चुप करके ऐसे लेटे रहे। जब हालत निकला तब मैंने अपने बच्चों को लेके, अपने पति को लेके बाहर निकलने की कोशिश की, तो देखा शांत हो गया था। थोड़ी सी देर बाद फिर दोबारा आ गया, फिर हम लोग सब बाहर आए। तो जाहिर तौर पर जब भूकंप के ये झटके आए तो लोग अपने घरों से डर के मारे बाहर निकलने पर मजबूर हो गए और रात भर यूं ही बाहर खड़े रहे। हमारे संवाददाता विनय सिंह इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, दिल्ली मुख्य केंद्र भूकंप का और ऐसे में 4 झटके, जाहिर तौर पर लोगों में डर तो जरूर पैदा हुआ होगा। जी वंदना, अगर बात करें, वाकई ये पहली बार हुआ है जब दिल्ली और गुड़गांव के बीच में ये केंद्र रहा भूकंप का झटका। सबसे गनीमत यह रही कि इतना जबरदस्त ये झटका था, उसके बावजूद भी दिल्ली और एनसीआर में कहीं पर भी कोई भी ऐसा जान माल के हानि का कोई खबर नहीं है। और जब ये झटका आया लगभग आधी रात के बाद, वंदना, ये झटका आया और ये 4 झटके लगातार 2.5-3 घंटे के अंतराल पर आए, और जिस समय ये झटका आया उस समय लोग लगभग सभी सो चुके थे, लोग अपने अपने बिस्तरों में जा चुके थे, सो रहे थे, और जिस समय ये झटका आया तो एकदम पैनिक के साथ वो लोग घरों से बाहर निकले और माहौल ऐसा बन गया था कई इलाकों का कि सभी लोग घरों से बाहर आ चुके थे। पुलिस बिना मौसम विभाग से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, दिल्ली पहली बार केंद्र बना है, सिस्मिक जोन 4 में आता है, तो क्या ये आगे भविष्य के लिए किसी भी तरीके का थ्रेट है? बिल्कुल, जो जिस तरीके से हमारी भूविज्ञानी से बात हो पाई, उन्होंने बताया कि ये जोन 4 का पूरा एरिया है दिल्ली का, और इसके लिए अलर्ट रहना, उन्होंने अलर्ट रहने के लिए कहा कि दिल्ली वासियों को, कम से कम दिल्ली एनसीआर वासियों को, जो अपने मकान वो बनाते हैं या जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं वो भूकंप रोधी जरूर बनाए, उन्होंने खासकर अपील की है, क्योंकि अक्सर ऐसा आगे हो सकता है कि इस तरीके के झटके आगे भी आए, और अगर इससे थोड़ा सा भी और तीव्रता तेज हो जाती, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अगर 5 पॉइंट के आसपास की तीव्रता चली जाती तो दिल्ली पूरी दहल हो सकती थी और जबरदस्त नुकसान हो सकता था दिल्ली एनसीआर में। वरना विनय, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि भूकंप के जब रिक्टर स्केल पर कम तीव्रता वाले झटके आते हैं, इसके बाद भूवैज्ञानिक यही कहते हैं कि एक बड़ा झटका आ सकता है, तो ऐसे में किसी भी तरीके की आशंका या अंदेशा भूवैज्ञानिकों ने जताई है? नहीं, अभी तक भूवैज्ञानिकों ने बिल्कुल, उन्हें खुद इतनी पहले अर्ली स्टेज पर वो खुद भी नहीं बता पा रहे थे, जिस समय हमें ये भूकंप के झटके आए, पहला झटका जिस तरीके से 1:41 पर आया और हम 2 बजे सीधा उनके पास पहुंच चुके थे, भूवैज्ञानिक के पास रात में ही, उनसे जब हम बाइट ले रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, तो 1:55 पर जब तक 3 झटके आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने बाइट में क्लियर कहा था कि हाँ, ये 2-2.5 घंटे तक इसका बिल्कुल अंदेशा रहता है, और उसके बावजूद फिर चौथा झटका
40 मिनट पर आ गया, तो एक क्लियर सी बात थी जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि दिल्ली के पास का केंद्र है, तो इस तरीके के झटके अभी और महसूस किए जाएंगे। तो ये एक अलर्ट उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया था वरना जी। बहुत शुक्रिया विनय तो आम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर जैसे ही भूकंप के ये झटके आए, पहले तो लोग समझ नहीं पाए, हालांकि दिल्ली पहली बार भूकंप के झटकों का केंद्र था, लेकिन उसके बाद जैसे ही लोगों को समझ आया कि भूकंप के झटके, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए ताकि वो सुरक्षित रह सकें। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली और एनसीआर पूरी तरीके से भूकंप के झटकों से दहल गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली एनसीआर, जो दिल्ली है वो भूकंप का केंद्र बनी है, और ऐसे में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा झटका कितने बजे आया ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जो आखिरी झटका था भूकंप का वो 3:41 पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 आंकी गई थी। कुदरत के खौफ से सहमे दिल्ली वाले उस वक्त घरों से बाहर निकल आए जब आधी रात दिल्ली और उसके आसपास का इलाका भूकंप के तेज झटकों से कांप उठा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि एक के बाद एक लगातार भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए और भूकंप का केंद्र दिल्ली और गुड़गांव के आसपास का इलाका था। भूकंप से हिल गया इंडिया गेट, भूकंप से कांप उठा लाल किला, कुतुब मीनार भी भूकंप से थर्राया जब आधी रात दिल्ली के नीचे डोली धरती। आधी रात जब पूरी दिल्ली चैन की नींद सो रही थी तो जमीन के नीचे उठे एक हलचल से पूरी दिल्ली कांप उठी। जिसने भी भूकंप के इन झटकों को महसूस किया वो एक बारगी तो खौफजदा हो उठे। हमने सोचा ऐसे कुछ होगा, लेकिन बाद में दूसरे नंबर में इतनी तेज झटका लगा, मैं और मेरे बेटे नीचे सो रहे थे तो मैंने अपने बेटे को, मेरे बच्चे एकदम हल्ला करने लगे तो मम्मी क्या हो रहा है, तो मैंने अपने बच्चों को अभी चुप रहो, निकलना होगा तो निकल जाएगा, अगर धरती फटनी होगी तो फट ही जाएगी। रात के सन्नाटे में अजीब सी आवाज के साथ दिल्ली और उसके आसपास का पूरा इलाका भूकंप के तेज झटकों से थर्रा गया। जमीन के नीचे उठे इस हलचल से जब रात की खामोशी टूटी तो पता चला कि दिल्ली और उसके आसपास की धरती डोल रही है। कुछ हल्का सा झटका महसूस किया था, उसके कुछ देर बाद हमने बहुत जोर का झटका महसूस किया जिससे बेड भी हिले, दरवाजे भी हिले, जिससे हमें बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हुई। फिर हम नीचे उतरे, जब हमने देखा यहाँ स्टूडेंट जमा है। कुदरत के इस खौफ को जिसने भी महसूस किया वो जान बचाने के फिक्र में बेतहाशा घरों से बाहर निकलने की कोशिशों में जुट गए। आधी रात आए भूकंप के इन झटकों के खौफ से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग सहम उठे और जान बचाने के फिक्र में घरों से बाहर निकल आए। 3 घंटे के अंदर ही भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। पहला झटका रात करीब 12:41 पर आया। पहले भूकंप के झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 थी। दूसरा झटका रात करीब 1:42 पर आया। दूसरे झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई, जबकि तीसरा झटका रात 1:55 पर आया। तीसरे झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 दर्ज की गई। चौथा झटका रात करीब 3:41 पर आया। चौथे झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 दर्ज की गई। दिल्ली और गुड़गांव को भूकंप का केंद्र बताया गया है। भूकंप के झटके करीब 3 से 5 सेकंड तक महसूस किए गए। जाहिर है एक के बाद एक लगातार 4 झटकों को आधी रात में जिन लोगों ने भी महसूस किया वो पूरी रात इस खौफ में थे कि कहीं फिर से न कांप उठे दिल्ली की धरती। लोगों की याददाश्त में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि भूकंप का केंद्र दिल्ली और इसके आसपास का इलाका था। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, देर रात आधी रात के बाद यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिस समय लोग अपने घरों में सोए हुए थे उस समय यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधी रात के बाद जब यह भूकंप के झटके महसूस किए गए लोग पैनिक में आ गए और कुछ इलाकों में अपने घरों से बाहर भी निकल आए। देर रात आए इन झटकों को राजधानी दिल्ली के अलावा कई इलाकों के लोगों ने महसूस किया। गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, मेरठ, मुरादनगर और दूसरे कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।
फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राहत की बात ये रही कि रिक्टर स्केल पर भूकंप के इन झटकों की तीव्रता इतनी नहीं थी कि जान माल का कोई नुकसान हो, लेकिन अगर भूकंप के ये झटके कुछ ज्यादा तीव्रता के होते तो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर भूविज्ञानी की माने अगर यह कुछ और इसकी तीव्रता अगर कुछ और बढ़ जाती 5.5 के आसपास पहुंच जाती तो पूरी दिल्ली दहल सकती थी। कैमरामैन मनीष खेर के साथ विनय सिंह, न्यूज 24।